गौतम नगर में विवाहित ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शादी को हो चुके हैं 1.5 साल, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। SDM करेंगे मामले की जांच। रामगंज थाना अंतर्गत गौतम नगर की रहने वाली एक विवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बबीता नाम की महिला की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। जिस कमरे में बबीता ने फांसी लगाई थी उस कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। महिला ने चुन्नी लटकाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने पीआर पक्ष की शिकायत पर धारा 176 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। मामले की जांच SDM द्वारा की जाएगी। कल शाम को थाना रामगंज फेतला मिली थी कि गौतम नगर के अंदर बबीता पुत्री तेज सिंह पत्नी खेमचंद जाति कोड़ी जिसने फांसी लगा ली और जिनको ये परिजन उसको जलनेच अस्पताल के अंदर दौरान इलाज लेके आए थे लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी शव अभी जलनेच चीरगढ़ अजमेर में इस इतला पे परिजनों ने रिपोर्ट दी है, जिस पे 176 CRPC की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि बबीता की शादी को अभी 1.5 साल हुए हैं, जिसकी जांच SDM साहब अजमेर द्वारा की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से किया जाएगा? हाँ, जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और सुसाइड नोट के दौरान कुछ मिला क्या? नहीं, सुसाइड नोट ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और वर्तमान के अंदर जिस रूम के अंदर सुसाइड किया है, जहाँ फंदा लगाया है, वो अभी उसको सीज किया हुआ है उस रूम को। ये चुन्नी से उस पे अपने पंखे के ऊपर फैन के ऊपर लटकना प्रतीत हो रहा है। और मेरा बलदेव ASI हूँ, पुलिस थाना रामगंज।